बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने जनपद वाराणसी के विद्यालयों का किया निरीक्षण। कार्यकारी जिला अध्यक्ष ज्योति प्रकाश ने बेसिक शिक्षा मंत्री का किया स्वागत। मंत्री सतीश द्विवेदी ने सेवापुरी ब्लॉक के 124 स्मार्ट क्लास का किया उद्घाटन। सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी ने काशी के प्राचीन व सुप्रसिद्ध रामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात सेवापुरी ब्लॉक में कंपोजिट विद्यालय दहली विनायक व प्राथमिक विद्यालय हाथी तथा आरआरजी लाइंस ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सिहोरवा उत्तरी में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया और कायाकल्प के कार्यों की समीक्षा किया। इन विद्यालयों में भ्रमण के दौरान उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत तथा सवाल जवाब किया एवं सभी विद्यालयों में कायाकल्प के कार्यों की और बच्चों के शिक्षा स्तर की भी तारीफ की। बेसिक शिक्षा मंत्री ने आधा दर्जन से अधिक विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान TLM प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मंत्री सतीश द्विवेदी का स्वागत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह व मंडली सहायक शिक्षा निर्देशक अवध किशोर सिंह ने किया। वहीं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कार्यकारी जिला अध्यक्ष ज्योति प्रकाश ने मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कार्यकारी जिला अध्यक्ष ज्योति प्रकाश ने बताया कि सरकार की योजनाओं के साथ व वर्तमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के नेतृत्व में वाराणसी जनपद भौतिक व शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में पूरे प्रदेश में अग्रणी है और शीघ्र ही यह पहला प्रेरक जनपद बनने जा रहा है। सेवापुरी ब्लॉक में निरीक्षण के उपरांत बेसिक शिक्षा मंत्री आरआरजी लाइंस ब्लॉक के आदर्श प्राथमिक विद्यालय सिहोरवा उत्तरी का भ्रमण किया, जहां विद्यालय की भौतिक व शैक्षिक स्थिति में मंत्री काफी संतुष्ट दिखे। निरीक्षण के पश्चात बेसिक शिक्षा मंत्री सर्किट हाउस कचहरी पर मीडिया कर्मियों से हुए रूबरू, जहां बेसिक शिक्षा मंत्री का स्वागत रणंजय सिंह ने किया। उसके पश्चात वाराणसी मंडल के बेसिक शिक्षा अधिकारियों तथा खंड शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक लिया। ने भी स्मार्ट क्लासेस लिया, यहाँ बच्चों को सिखाया, कुछ क्या बताया बच्चों को और क्या जाना उनसे? नहीं, मैं बच्चों से मैं पूछ रहा था कि पहले जब आप टीचर हमारा ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता था तो बच्चे कल्पना करते थे, कोई कहानी सुनाता था अध्यापक हमारा तो कल्पना करते थे कि ऐसा होता होगा, लेकिन अब वो बच्चे देखते हैं जो ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से हमारा अध्यापक जो चीज़ें पढ़ाता है वो बच्चे जब सामने देखते हैं तो उसको ग्रहण करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। बच्चे खुश हैं, बच्चों को अच्छा लग रहा है और तमाम सारी दुनिया भर की नई जानकारियाँ जो हमारे किताबों में नहीं उपलब्ध होती हैं, इंटरनेट पर या अन्य माध्यमों पर उपलब्ध हैं, वो भी स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को, दीक्षा पोर्टल है भारत सरकार का, उस पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। हमने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के हर क्लास की जो किताबें हैं उन किताबों के हर पेज को QR कोड बेस्ड बनाया है, जो बच्चा पढ़ रहा है अगर उसी को स्कैन करके हमारा टीचर स्मार्ट क्लास में उसको दे देगा या स्मार्टफोन पर भी गार्जियन स्कैन कर ले तो उस पाठ का पूरा वीडियो सामने है। तो बहुत सारी चीज़ें आधुनिक बनाने की कोशिश की है बच्चों को उसका लाभ। अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि काफ़ी UP से काफ़ी बेहतर एजुकेशन के मामले में दिल्ली का स्कूल है। मैं कई बार कह चुका हूँ, बार बार वही बात क्या दोहराऊँ, दिल्ली में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूल सरकारी स्कूलों की संख्या 1000 है। हमारा उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें 2000 के आसपास केवल बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से कक्षा 8 के स्कूल ना हो। अब जैसे मैं इस स्कूल के आधार पर दिल्ली में मैं भी देखा हूँ, एक दो स्कूलों में कहीं छोटा स्विमिंग पूल बना दिया, कहीं कुछ कर दिया, उसी के आधार पर वो ऐसा बताते हैं। दिल्ली भी हमारे देश का हिस्सा है, हमारे देश की राजधानी है, हमारी शुभकामना है, दिल्ली के स्कूल अच्छे होने चाहिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने दिल्ली में स्कूल हैं उसके कई गुना स्कूल उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी सुविधाएँ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। पिछले 4 वर्षों में मैं बार बार कहता हूँ हम सब कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन पिछले 4 वर्षों में योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बहुत बेहतर हुई। क्या कारण रहा कि अच्छे घर के जो लोग हैं, एजुकेटेड जो काफ़ी हैं, वो प्राइमरी स्कूल से जूनियर स्कूल से अपने बच्चों को दूर रखना चाहते हैं? देखिए, नहीं रखना चाहते नहीं, आखिर इतने वर्षों के बाद किस तरह की कमी आप कहाँ पर देखते हैं? रखना चाहते थे पिछले 15-20 सालों में बुनियादी शिक्षा पर जो ध्यान देना चाहिए था वो उत्तर प्रदेश में नहीं दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जब शुरू किया था 2001 में और बड़ी संख्या में प्रदेश में स्कूलों का निर्माण हुआ था, लेकिन केवल बिल्डिंग से तो काम नहीं चलता,
शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए थी और बच्चों को तमाम सारी सुविधाएं देनी चाहिए थी, उस पर 15-20 सालों में ध्यान नहीं दिया गया। इससे लोगों को विरक्ति हुई, आसपास के टिन सेट में चलने वाले स्कूल में लोग अपने बच्चों का एडमिशन करा देते थे लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं कराते थे। पिछले 4-4.5 साल में योगी सरकार ने स्कूलों के मामले में कई मोर्चों पर काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया, स्कूलों का जो अवस्थापना सुविधा थी, बिल्डिंग, उसका कैंपस, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, इन सब क्षेत्रों में काम किया, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई, विद्युतीकरण पे काम किया, बच्चों की सुविधाएं, उनके ड्रेस, जूता। स्कूल खुला है और आज आप वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक पे हैं, स्कूल का निरीक्षण किया, क्या पता चल पाया आपको? देखिए, सेवापुरी ब्लॉक को एक तरह से हम सब लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि एक कोई ब्लॉक, एक मॉडल ब्लॉक बने, एक ब्लॉक के स्कूलों को ऐसा बनाया जाए कि अन्य ब्लॉकों के स्कूल के लोग भी उसको मॉडल के रूप में देखें और उसी तरह से सब स्कूल बन सकें। सेवापुरी ब्लॉक के टीचर्स ने, जिन गांवों में विद्यालय हैं वहां के प्रधानों ने, SMC के अध्यक्षों ने, सबने मिल करके बहुत अच्छी कोशिश की है। बीच बीच में जब मैं आता था तो तैयारियों की समीक्षा करता था, लेकिन आज इच्छा थी कि एक बार पिछले 2-3 महीने में स्कूल खुलने के बाद अभी फिर क्या प्रगति हुई है कोरोना काल के बाद, उसको देखना चाह रहा था, इसलिए आया हूँ इस दिल्ली विनायक के विद्यालय में। विद्यालय का निरीक्षण किया है, पूरे सेवापुरी ब्लॉक के सभी 124 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना हो गई है, उसका भी आज लोकार्पण किया है और SMC के अध्यक्ष से, ग्राम प्रधान से, टीचर से सबसे बात हुई है। अच्छा लगा कि सब मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है काशी का स्वरूप बदलने का, आधुनिक करने का, काशी के बच्चे दुनिया में जो आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सुविधाओं से जुड़ सकें, स्मार्ट क्लास से पढ़ सकें, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा का कायाकल्प करने का जो स्वप्न है कि इन स्कूलों में गांव के गरीब मजदूर किसान के बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा यह है कि ऐसे स्कूलों की भी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उन स्कूलों में मिलती हैं, जो संपन्न वर्ग के स्कूलों को मिलती हैं। और मुझे प्रसन्नता है, ये शायद इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो कर दिखाया है, मैं एक सरकारी स्कूल में खड़ा हूँ और यहाँ 850 से अधिक बच्चे हैं। पहले स्थिति ये थी कि बिल्डिंग ठीक नहीं होती थी, टीचर्स नहीं होते थे, बच्चे नहीं होते थे। इन 4 वर्षों में योगी सरकार के कार्यकाल में ये पूरा परिदृश्य बदला है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे निजी स्कूलों को छोड़ छोड़ करके सरकारी स्कूलों में आए हैं। हमारे अध्यापक मेहनत कर रहे हैं, अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार कर रहे हैं, रोचक ढंग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में स्मार्ट क्लास आदि की व्यवस्था हो रही है। तो इस स्कूल का तो जो पूरा वातावरण है, प्रकृति भी इस विद्यालय के साथ है, पेड़ पौधे हैं, पूरी प्रकृति की छाया है और जिस तरह से अच्छा लगा।